हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रूटेड लाइफ के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड के पांच ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो हमारे डेली यूज में बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए हम इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। इन पांच एप्लीकेशन में से दो एप्लीकेशन अडोबी के हैं और दो एप्लीकेशन गूगल के हैं और एक एप्लीकेशन हमारा इंडियन है, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि ये हमें कुछ फ़ायदे की बातें सिखाएगा ये एप्लीकेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, एक इंडियन एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम अपने मेड इन इंडिया एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसे हमारे रिलायंस जियो ने बनाया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के राइट साइड में जियो POS लाइट है, आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी जियो मोबाइल को रिचार्ज कर पाएंगे। तो आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, हम तो पेटीएम से भी रिचार्ज कर सकते हैं, गूगल पे से भी रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप इससे रिचार्ज करते हैं तो आपको कुछ जैसे कि पेटीएम में कैशबैक मिलते हैं, वो तो कभी कभार मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर पैसे ऐड करते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर 1,000 रुपये ऐड करता हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं कि मुझे 41 रुपये 66 पैसे हमें और दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, यानी कि ये हमें बेनिफिट देंगे। अगर हम 2,000 रुपये इसमें ऐड करते हैं तो हमें 83 रुपीज़ और 32 पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी ज़्यादातर लोगों के पास जियो का सिम है तो जियो का रिचार्ज भी करना पड़ता है, और रिचार्ज भी 500-500 के रिचार्ज होते हैं, 599, 499। तो ऐसा होता है कि दो बार रिचार्ज करेंगे किसी का तो आपको 40 रुपये के फ़ायदे हो जाएंगे। तो आप इस एप्लीकेशन को ज़रूर रखिए, और मैंने भी इसे रखा हुआ है, और आपको इसमें कम से कम 1,000 रुपये ऐड करना होता है। यहाँ से आप आसानी से जियो का कोई भी नंबर रिचार्ज कर सकते हैं, जियो मोबाइल, जियो फाई, और आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है और मेड इन इंडिया है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, जहाँ मेड इन इंडिया की बात आ रही है, तो हम अगले एप्लीकेशन की बात करेंगे, वो है अडोबी स्कैन की। अडोबी इंडियन एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में चाइनीज़ एप्लीकेशन CS स्कैनर बैन हो गया है। इस कारण से अडोबी स्कैनर, जिसको कभी 4.7 की रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर पर, आपको ये यूज करना चाहिए। ये इससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन बहुत ईजी है। बस अपने फ़ोन को अपने डॉक्यूमेंट पर ले आइए और क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये तो पहले ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेता है आपके डॉक्यूमेंट को, लेकिन अगर इससे कोई गलती हुई तो आप खुद से इसको अपना कस्टम दे सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर दीजिए, और ये आपके डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरह से सेव कर देता है। अब देखिए कि यहाँ पर भी एक आपको ऑप्शन मिलते हैं, अगर आपको लगता है यहाँ पर ये जो लाइन्स हैं बहुत ही बेकार लग रहे हैं, तो आप इसको जस्ट वाइट कलर कर दीजिए, अगर पीछे की वाइट से। एक मिनट, जस्ट हम यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेंगे क्लीन अप का, और इसको हम फील द सेलेक्ट करके, और वाइट को हमने सेलेक्ट किया है, और इसको हम वाइट पेंट कर देंगे। तो इसकी मदद से आप इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि हम ऊपर पे कर दिया हमने, और इस तरह से आप बना सकते हैं। जस्ट इसको टिक कर दीजिए और इसको सेव बाय PDF कर सकते हैं, और इसमें कोई वाटर मार्क भी नहीं आते हैं जैसा कि हमारे CS स्कैनर में आता था। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। तो दोस्तों, इसी लिस्ट में जो अगला एप्लीकेशन है वो गूगल की तरफ से है, गूगल लेंस। ये गूगल लेंस हर एक फ़ोन में आजकल आ रहे हैं, नए फ़ोन्स में। अगर आपके फ़ोन्स में नहीं है तो आप सिंपली इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल लेंस सर्च करके। और इसकी मदद से दोस्तों, आप जैसे कोई टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जिसके ब्रांड के बारे में नहीं पता है और आपको वही डिज़ाइन चाहिए, तो आप गूगल लेंस से उसे स्कैन करके आप आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे कि चेयर है, जैसे कि इसके बारे में मुझे जानना है, जस्ट हमें इसे क्लिक कर, और आप नीचे देख सकते हैं हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए। इसी तरह से आपको अलग अलग टी शर्ट्स के बारे में ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि हम आपको एक टी शर्ट्स के बारे में बताते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि कोई कपड़े भी आप इसमें स्कैन कर सकते हैं कि मुझे ये ख़रीदना है, तो जस्ट हमने इसको ऊपर से जस्ट एक स्कैन कर दिया, और आप देख सकते हैं कि इससे जो मिलते जुलते कपड़े होंगे ना, और अगर इस तरह के मिलते जुलते कपड़े जहाँ भी होंगे, जैसे देख रहे हैं अजियो पे है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं फेसबुक वगैरह, जहाँ भी ये अवेलेबल होगा, वैसे ये जो कपड़े हैं ये लोकल मार्केट से ख़रीदा गया है। अगर ये ऑनलाइन ख़रीदा गया होता तो यहाँ पर अवेलेबल होता। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, गूगल लेंस कितना यूजफुल है हमारे डेली लाइफ में, और आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, और मैं भी इसे यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, लिस्ट में जो अगला एप्लीकेशन है वो भी गूगल की तरफ से है, फोटो स्कैन। तो देखिए इसका यूज़ क्या है, अगर आपके पास पुराने फोटोज़ हैं जो फिल्म के ज़माने में क्लिक किए गए थे, और अगर आप चाहते हैं कि उसे हम डिजिटली सेव करें बिना किसी कैमरे वगैरह की मदद से, अपने फ़ोन के कैमरे से अगर सेव करना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और आपको ये एप्लीकेशन आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट हम देखते हैं अपने पुराने फ़ोटोज़ को, और इसको हम इस यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। जस्ट हमने एक फ़ोटो को क्लिक किया, और इसके चारों कॉर्नर को आपको मिलाना है, और पुराने फोटोज़ में ऐसी होती है ना, क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं होती है,
ये कॉर्नर एडजस्टमेंट की मदद से आप इसके कॉर्नर को एडजस्ट कर सकते हैं। आपके फोटोज़ पूरी तरह से क्लिक हो गए हैं और जस्ट इसको हम आप ऊपर देखिए और ये जूम होकर आपको बताएगा कि आपके कॉर्नर कहाँ पर हैं। इसको हमने डन कर दिया तो हमारा ये फोटो पूरी तरह से आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी में ये दिख रहा है। तो दोस्तों लिस्ट में जो अगला एप्लीकेशन है वो है फोटोशॉप कैमरा, PS कैमरा, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पर है। और इसकी मदद से दोस्तों आप बहुत ही कमाल के आर्टिस्टिक फ़ोटो ले सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि सभी फ़ोन्स में ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं हुए हैं। अभी मेरे पास OnePlus 6 है तो इसमें ये डाउनलोड हो रहा है, लेकिन आपके पास कौन सा फ़ोन है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने Redmi Note 8 Pro में ट्राई किया तो वहाँ पर ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है। मैं आपको इस एप्लीकेशन के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा आपके फ़ोन में ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है या नहीं। तो चलिए हम इसके यूज़ देख लेते हैं। तो हम इसे कर लेते हैं ओपन। और अभी देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ़िल्टर हैं, मैंने बैक कैमरा ऑन किया है और नीचे जो बहुत सारे फ़िल्टर है इसमें से मैं एक फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ, स्काई वाला। आप सोचेंगे हर एक फ़ोन में आजकल ऐसे फ़िल्टर्स आते हैं, लेकिन इसमें क्या नया है। तो जस्ट अभी आप देखिए, ये हमारा गांव है और हमने अभी आप देख रहे हैं जितनी भी स्काई की आपको इफ़ेक्ट दिख रहे हैं ये सब नकली है। ये फ़ोटोशॉप जो एप्लीकेशन, ये फ़ोटोशॉप का जो ये मतलब एप्लीकेशन है इसमें ही ये सारा दिया गया है। यहाँ से आप इसकी लाइट्स को भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं आप अपने हिसाब से। ऑटो पे भी ये अच्छा काम करता है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो अभी जो देखने को मिलेगा वो कमाल की फ़ोटो है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह का फ़ोटो हमें देखने को मिलेगा। और इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि आप स्काई को किधर लगाना चाहते हैं और कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फ़ोटो को इन्हेंस करना तो यहाँ पर ऑटो इन्हेंस का ऑप्शन है, इससे आपके फ़ोटो इन्हेंस हो जाएंगे। दोस्तों ओरिजिनल जो फ़ोटो अभी बैक है, बैक कैमरे से देखेंगे तो मैंने एक और क्लिक किया तो कुछ इस तरह का ये फ़ोटो है अभी हमारा बैक का सिनेरियो। लेकिन अगर हम इस कैमरे से क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक फ़ोटोशॉप जो है, फ़ोटोशॉप कैमरा हमें कुछ इस तरह की फ़ोटो क्लिक करके देता है और यहाँ पर हमें एडिटिंग के भी ऑप्शन देता है। आप देख सकते हैं मैंने 3-4 और फ़ोटो क्लिक किया है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है कुछ इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों और भी लेंस को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड मोर क्लिक करके आप देखेंगे कि नीचे बहुत सारे प्रिज्मा हैं, प्राइड है, बहुत सारे लेंसेस हैं, आप अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे ये रात, देखिए ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरे मैंने गैलेक्सी के फोटोज़। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी गैलेक्सी के फोटोज़ ले लिए हैं। जस्ट इसको हम एडजस्ट कर देते हैं कहाँ हमें लगाना है। ओके ठीक है, अब इसे अगर हम एडिट करेंगे तो और भी बेहतर एडिट होगा अगर हम यहाँ से कुछ करना चाहें इसमें, शैडो हाईलाइट वगैरह कुछ। तो यहाँ से डन करते हैं और यहाँ से सेव हो जाएगी। तो ये बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है और ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।